हे फ्रेंड्स, हाय। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट पोहा। क्यों? ये बनाने के लिए मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो चलिए अब हम इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है वो लिस्ट मैंने लास्ट में रिटर्न में ऐड करी है, उसे यूज़ करें। 1 कप पोहा पूरी तरह से भीगा हुआ। अब आप हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये मैंने पोहा को पूरी तरह भिगा दिया है कि ये आपस में मिक्स हो जाए। और ये मैंने 1 कप लिया है। 1 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून खटाई, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून शुगर, कस्तूरी मेथी 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून धनिया। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा इस तरह ड्राई बनेगा। तो आपको इसे पहले इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर लास्ट में ये मिक्स होने के बाद आपको हाथ से इसे प्रॉपर मिक्स करना है ताकि ये आपका डफ के जैसा तैयार हो। और ये आपका इस तरह से ये मिक्स होकर तैयार होगा। बस ये आपको डफ इसी तरह से रेडी करना है। ये सिर्फ पोहे का है और इसमें हमने सब मसाला ऐड किया है। और अभी हम इसे क्यूब का शेप देंगे क्योंकि हम इसे पोहे का क्यूब बना रहे हैं। तो अब हम इसे क्यूब का शेप देंगे। स्नैक्स क्रिस्पी हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे क्रिस्पी करने के लिए हम यहाँ पे रवा का यूज़ करेंगे। रवा को सबसे पहले हम इस तरह से फैला लेंगे कि हम उसे बेस अच्छी तरह से दे सकें। और वो थोड़ा सा गीला होता है, पोहे का है तो पोहे का बेस थोड़ा गीला होता है, जिसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो हमारा बेस भी अच्छा बनेगा क्यों, और साथ ही साथ हमारा क्रिस्पी भी होगा। और अब हम यहाँ पे पूरा बेस ले रहे हैं और इस बेस को अब मैं इस तरह से यहाँ पे देखिए सूजी के ही थ्रू इसे बस फैलाती जाऊँगी। और मुझे जितनी सूजी लगेगी मैं यूज़ करके इसे पहले इस तरह से स्क्वायर शेप में शेप दूँगी। मुझे कितनी पतले क्यूब चाहिए, कितनी उसकी थिक होनी चाहिए, वो इसी हिसाब से डिपेंड करता है। हम इसे जितना बेस देकर दबाएंगे उतनी हमारी क्यूब की साइज़ आएगी। तो ये देखिए, मैं अगर आपको नॉर्मली इसे बताऊँगी तो ये मैंने 1/2 अंगुल में लिया है। ओके, मतलब मैंने इतनी हमारी उंगलियों में 1/2 साइज़ में इस क्यूब की मोटाई दी है। तो इसे इस तरह से इक्वल शेप दिया है मैंने। और अब इसे इस तरह से हम पलट देंगे कि इस साइड भी सूजी से हम क्रिस्पी कर सकें। और फिर बाद में हम इसे एक परफेक्ट शेप देंगे। ये सब तरफ से इस तरह से आपको इसे बराबर करना है। अब ये बराबर हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और सूजी ले रहे हैं और अब इसे प्रॉपर एक क्रिस्पीनेस रेडी कर रहे हैं। और अब हम इसे फाइनल शेप देंगे। फाइनल शेप देने के लिए मैं पहले इसे किनारियों को बराबर कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, ताकि ये मेरे शेप एक बराबर आए क्यूब्स के। और इसे हम बाद में फिर से इस तरह से अलग करके फिर से एक रोल तैयार कर लेंगे और इसे शेप दे देंगे। तो ये मैंने इसे अलग कर दिया है, ये देखिए। और अब हम इसे एक प्रॉपर क्यूब का शेप देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे अलग किया, इसे हम यूज़ करके फिर से एक शेप तैयार करेंगे। और ये क्यूब शेप आप जिस भी साइज़ में देना चाहते हैं, जितना भी आप ठीक चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से हम इसे बराबर कट करेंगे और ये फिर हम इसे इस तरह से कट करके वो फाइनल हम क्यूब का शेप दे रहे हैं। ये देखिए, अब आपको इसे बहुत संभल कर करना है क्योंकि ये पोहे का है तो थोड़ा चिपचिपापन तो इसमें रहेगा। तो इसीलिए हमने इसमें सूजी यूज़ किया था। और ये हमारी एक चौकोर लेयर तैयार हो रही है। और ये मैंने इसे
पूरा कट कर लिया है, ये देखें, और ये एक एक पीस मैंने फाइनली अलग कर दिया। और मेरे पोहे की सभी के उप्स तैयार हो चुकी है। ये स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप इसे सूजी से या फिर ब्रेड क्रम्स से चाहे तो ऊपर एक और लेयर दे सकती हैं, और अगर ना चाहें तो हमने दिया है तो वो सफिशियंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये स्नैक्स में आप इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं, 10 मिनट में आपके ये क्यूब्स बनकर तैयार हो गई हैं। और अब हम फाइनली इसकी चिपचिपाहट हल्की सी दूर करने के लिए इसे पूरी तरह से सूजी से कवर कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं और सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तब तो हमने इसे पूरी तरह कवर कर दिया है। ऑयल को मैंने पहले ही थोड़ा गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, और अब मैं हल्का डालकर देख रही हूँ तो ये ऊपर आ रहा है, तो ऑयल मेरा मीडियम गर्म हो चुका है। तो आपको भी इतना ही हीट करना है, और अब हम एक एक करके हमारी सारी क्यूब्स को इसमें ऐड करते जाएंगे। और ये मैंने सभी क्यूब्स इसमें ऐड कर दी हैं, और अब इसे हम 1 मिनट तक चलाएंगे नहीं, बहुत हल्के हाथों से इसे चलाएंगे जब ये इस एक साइड से हल्का हल्का सिक जाएगा। और अगर हम इसे पकने नहीं देंगे, जल्दी पलटेंगे, तो फिर ये टूटने का बहुत डर होगा। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा सिकने देंगे, और फिर ये देखिए ये जब हल्का हल्का सिक जाएगा तब आपको इस तरह चिमटे की मदद से एक एक करके इसे सावधानी से पलटते जाना है। और फ्लेम आपको यहाँ पे मीडियम ही रखना है। और ये देखिए मैंने इसे एक एक करके पलट दिया है, तो ये गोल्डन ब्राउन सिकने लगा है, और हल्का सा वाइट और गोल्डन ब्राउन के शेड में ही ये तैयार होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी सारी क्यूब्स रेडी हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम दे रहा है, तो आप भी इसे इसी तरह ज़रूर ट्राई करें। तो अब ये पूरी तरह से सिक चुका है, और अब हम इसे एक एक करके छलनी में छानते हुए निकाल लेंगे। और ये देखिए ये मैंने इसे छलने में छान कर निकाल लिया है, और अब इसे मैं टमाटर सॉस या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए ये क्यूब्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये क्यूब्स बहुत ही क्रंची है खाने में, और आप इसे स्नैक्स में घर पर कोई भी आता है तो आप तुरंत इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, एक नई डिश है और ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। और आप इसे टमाटर सॉस या फिर ग्रीन चटनी और तीखी मिर्च के साथ में ज़रूर सर्व करें, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो थैंक्स, बाय बाय।